चलिए हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज पढ़ते हैं हम लोग 10th क्लास का। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक यह आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये हो जाएगा आपका एक एक्सिस, इसको एक अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष, इस ध्यान देंगे इसको हम लोग भुज बोलते हैं, भुज इसको बोलते हैं कोटि। इस यह जो होता है इसका इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है मतलब एक इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब कि वाई अक्ष का समीकरण। तो वाई अक्ष का समीकरण जो होगा एक्स इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक अक्ष का समीकरण वो आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू जीरो। समझ गए? यहां पर आपका मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा जीरो जीरो, मतलब कि यहां पर जीरो जीरो हो जाएगा। अब आते हैं यहां से जो होता है, यहां से अगर जाते हैं राइट साइड जाएंगे तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे, यह पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक। अगर इसके ऊपर जाएंगे बढ़ जाएंगे तो भी धनात्मक हो जाएगा। इसके हम लोग जस्ट लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। इसके जस्ट हम ओरिजिन से जस्ट बिलो जाएंगे ये भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अब आते हैं इसलिए क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा, यह होगा तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। इसका जो चतुर्थांश होता है यह एक्स के, इसमें एक्स के मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, वाई के मान भी धनात्मक होता है। देखिए यहां पर आपको हो जाएगा यह लिख लीजिए, आपका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप बात जो लिखे हुए क्योंकि इसको साफ कर दे रहे हैं यहाँ पे से, तो यह आपका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत काम आता है, तो इसको साफ कर दे रहे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब ध्यान देंगे इसको यहां पर आपको x के मान नेगेटिव हो जाएगा, y के मान आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर x के मान नेगेटिव हो जाएगा, y के मान आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान दें प्रथम चतुर्थांश में आपका x मान पॉजिटिव, y के मान पॉजिटिव क्यों हुआ उसको बताने जा रहे हैं। देखिए अगर यह x के मान धनात्मक है तो x और ऊपर हम देखेंगे, अच्छा है नीचे इस पे बैठ के देखेंगे तो धनात्मक धनात्मक, इसलिए क्या होता है यहाँ पर x के मान धनात्मक हो जाएगा, y के मान ऋणात्मक होगा। अब x बता दे, इसमें देखिए x धनात्मक है, इसमें भी धनात्मक है, x का क्लियर हो गया कि इसके ऊपर नीचे जाएंगे धनात्मक मिलेगा आपको। अब आते हैं कि इसमें जो होगा यह आपका ओरिजिन से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको ऊर्जा धनात्मक की ओर बढ़ते जा रहा है, ये जीरो से ऊपर उठ रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। तो इधर इसका इधर भी जाएंगे धनात्मक होगा, इधर भी जाएंगे आपको धनात्मक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा इधर पॉजिटिव होगा। देखिए वाई के मान इधर पॉजिटिव है, अगर इसका इधर आएंगे वाई के मान पॉजिटिव है, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश मतलब प्रथम क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब दूसरा चतुर्थांश में इसका मान जो हो जाएगा वाई का आपका धनात्मक होगा, यहाँ पर इसके माध्यम से चल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसका x के मान जो हो जाएगा x के मान आपका यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, x के मान यहाँ पर ऋणात्मक क्योंकि यह ऋणात्मक है नेगेटिव मान है, तो x के मान इधर नेगेटिव होगा तो इधर ऊपर भी जाएगा नेगेटिव और नीचे भी जाएगा तब का नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर और नीचे आपका नेगेटिव आने लगेगा। समझ गए? तो ऊपर और नीचे आपका नेगेटिव होगा तो इस अगर सेकेंड चतुर्थांश में नेगेटिव आएगा और थर्ड चतुर्थांश में नेगेटिव आएगा। अब आते हैं इस समझ गए। अब देखिए यह जो है ना ओरिजिन से बिलो है, मतलब कि ओरिजिन से जब बिलो हो जाएगा तो इसका मान यह वाई के मान हो जाएगा नेगेटिव मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। अब यहाँ ध्यान देंगे इस पे अगर कोई बैठा है बंदा तो इधर भी टिकेगा तो नेगेटिव, इधर भी टिकेगा नेगेटिव क्योंकि वो नेगेटिव बैठवे किया हुआ है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर थर्ड चतुर्थांश में आपका y के मान नेगेटिव हो गया और फोर्थ चतुर्थांश y के मान नेगेटिव हो गया। तो आई होप आप समझे होंगे कि क्यों ऋणात्मक मान जो होता है क्यों ऋणात्मक होता है चतुर्थांश में, क्यों धनात्मक होता है, आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं एक पॉइंट लेकर।
यह मूल बिंदु आपका हो जाएगा, एक पॉइंट ले रहे हैं पी, यहाँ पर एक्स और वाई हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट यहाँ से यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ ओ हो जाएगा, तो ओ अगर पी हो जाएगा, या ध्यान देंगे यहाँ से ओ पी, अगर यहाँ से परपिंगुलर गिरा रहे हैं तो यहाँ पर यह परपिंगुलर गिरे चाहे यह परपिंगुलर गिरे, तो यह आपका वाई के मान हो जाएगा, यह आपका एक्स के मान हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ आपको दिमाग में बात को ये रखना है, यह आपका x के मान हो जाएगा, वो y के मान हो जाएगा, क्योंकि यह आपका एक अक्ष है, यह y अक्ष है आपका, तो यहाँ से यहाँ इसका दूरी जो हो जाएगा आपका एक अक्ष हो एक x के मान हो जाएगा, और यहाँ से आपको देखा जा रहा है तो इसका आपका y के मान हो जाएगा, यहाँ से ऊपर उठ रहा है मतलब कि यहाँ पर जो है ध्यान देंगे यहाँ पर वो सीधे उठ रहे हैं तो x के मान बदल नहीं रहा है, केवल ओनली फॉर y के मान बदल रहा है, और यहाँ से इधर जा रहे हैं तो केवल आपको x पर अगर जा रहे हैं तो केवल x के मान ही बदल रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है तो हमेशा दोनों मान ही बच्चे जो x और y, x y x y दोनों चेंज होगा, यही कारण होगा कि यहाँ पर बिंदु जो आया यहाँ पर दोनों के मान चेंज होकर लेके आया हुआ है, आप समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम निकाल रहे थे इसका दूरी निकालना चाहते तो यहाँ पर p r o हो गया, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको। तो ध्यान देंगे इस बात पर गौर फरमाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हम उपयोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर ओ पी देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसका जो कर्ण आपका यह इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, आ इसको आपका लंब हो जाएगा, यह आपका आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बोलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा OP इक्वल टू हो जाएगा आपका यह आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका आधार दिया आपका आपका OR दिया x का स्क्वायर, यहाँ पर दिया y का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर हो जाएगा, तो OP इक्वल टू जो हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब कि आपका इसका मान आपका हो जाएगा यह हो गया, समझ गए। OP इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, ये आपको दिमाग बैठ गया, तो यह आपका पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र का मतलब जिसको डिस्टेंस सूत्र बोलते हैं, दूरी सूत्र का प्रूफ करने जा रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान देंगे दो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधे क्या करेंगे और परपिंगुलर गिरा देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा तो यहाँ पर x के मान x1 हो जाएगा, यहाँ पर मान हो जाएगा x2, और यहाँ से गिराएंगे तो यह हो जाएगा x1 माइनस x2, इसका मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर गिराएंगे तो इसका मान y1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका y2, यहाँ से गिराएंगे तो हो जाएगा y2 में से y1 जाएगा, मतलब कि यहाँ यह पैरेलल हो जाएगा रिटेंगल, यह पार्ट हो गया रिटेंगल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यह x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या लेंगे, p ले लेंगे पी क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम अगेन लेके आ रहे हैं तो हो जाएगा इसका मान जो क्यू आर के जो मान हो जाएगा क्यू आर के मान यह हो जाएगा वाई वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर आ गया पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, आपका ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र बोलते हैं, इसको बहुत सारे उपयोग होते हैं। मान लीजिए इसको वर्ग प्रूफ करना है, आयत प्रूफ करना है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है ना, सम चतुर्भुज प्रूफ करना है, उसके कहता उसमें त्रिभुज प्रूफ करना है कि त्रिभुज आपको मान लें सम त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, यह आपका मतलब त्रिभुज है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र का बहुत आपको एप्लीकेशन मिलेगा, तो यह आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब देखिए इसमें अगर आप क्वेश्चन दो चार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
ध्यान, यह एक त्रिभुज दिया था, त्रिभुज से एक मतलब कि आपका परिवृत्त जा रहा है, तो परिवृत्त जाता जा रहा है तो उससे इसको कह रहा है कि संस्क्राइब इंस्क्राइब किया, सर्कल सर्कल बन रहा है इसका ऊपर। तो अब कह रहा है कि बताना कि सर्कल का मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिवृत्त का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पर इसको हम त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तब यह त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से देखिए यह पॉइंट जा रहा था, यहाँ से क्या करेंगे हम इसको डिस्टेंस या सेंटर निकाल लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको सेंटर निकालने के लिए मान ली इसका ए और बी मान ली इसको पॉइंट, अब ये बी मान लेते हैं डिस्टेंस फोन ले जाएंगे कि हम जानते हैं कि इसके और दूरी जो होता है सब बराबर हो जाएगा। तो जीरो और का तो वन का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे इसका नाम दे देंगे पी क्यू, तो यहाँ ओ दे देंगे तो ओ क्यू जो हो जाएगा ओ ओ आप पी जो हो जाएगा ओ आर जो हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक अगर ओ क्यू का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर कर लेंगे तो ओ ओ पी के स्क्वायर जीरो माइनस व ए का स्क्वायर प्लस फोर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा ओ पी का, तो जी ए माइनस फोर का स्क्वायर प्लस बी माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा आपका चार है जी, तो चार का स्क्वायर सोलह प्लस बी के स्क्वायर माइनस आठ बी इक्वल टू हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस सोलह माइनस हो जाएगा आठ ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस छत्तीस हो जाएगा बारह बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के स्क्वायर ए के स्क्वायर ए के उससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका सोलह माइनस एट बी माइनस सोलह प्लस एट ए माइनस छत्तीस सिक्स हो जाए छत्तीस हो जाएगा प्लस हो जाएगा बारह बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कटा देंगे, कट गया खत्म हो गया, यहाँ से कटा देंगे तो यहाँ पर होगा चार प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर आठ ए हो जाएगा, यहाँ पर थर्टी सिक्स हो जाएगा, इसमें से चार कॉमन ले लेंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ पर टू ए हो जाएगा, यह हो जाएगा नौ हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर वन। दूसरे बार करेंगे हम, इसको ले लेंगे ओ पी इक्वल टू हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे, तो ओ पी जो हो जाएगा आपका ए माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ आर हो जाएगा आपका ए माइनस छः का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस सोलह प्लस आठ ए प्लस हो जाएगा बी के स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स माइनस बारह बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए के स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स का स्क्वायर माइनस बारह ए प्लस हो जाएगा बी के स्क्वायर प्लस चार प्लस हो जाएगा माइनस बी। ये यहाँ पर ए ए का स्क्वायर ए कट जाएगा यह, उसके बाद यह बच जाएगा आपका थर्टी हो जाएगा थर्टी, यहाँ पर हो जाएगा थर्टी, ये हो जाएगा आपका सोलह सोलह थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा अब चार, तो यहाँ पर सोलह में से चार जाएगा बारह हो जाएगा, इसमें से आठ में से आएगा तो यहाँ प्लस चार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ सोलह हो जाएगा इसमें प्लस आठ हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा इसमें चार कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका तीन ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इक्वेशन नंबर टू, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण, अगर ध्यान देंगे समीकरण वन में, समीकरण वन में अगर हम गुना कर दे रहे हैं दो में और जोड़ देंगे तो काम आ जाएगा। समीकरण क्या करेंगे दो में, हम समीकरण वन को गुना कर देंगे दो में गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका बी प्लस टू ए माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका टू ए प्लस बिल्कुल माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी गुना किए हुए हैं तो यहाँ पर अगर गुना कर देंगे आपका या बी में वन में गुना करना पड़ेगा, वन से गुना करना पड़ेगा, वन में अगर दूल्हे से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू बी माइनस फोर ए अट्ठारह इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा ए माइनस टू बी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, हो जाएगा कट जाएगा तो हो जाएगा पाँच ए, ये हो जाएगा पंद्रह इक्वल टू जीरो, तो ए के मान हो जाएगा तीन, ए के मान हो जाएगा तीन, और ए यहाँ पुट कर ध्यान देंगे आपका बी माइनस प्लस टू ए नाइन इक्वल टू आ जाएगा
तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 × 6 - 9 हो जाएगा, तो यह बी इक्वल टू 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। अब ध्यान देंगे यहाँ से निकाल लेंगे रेडियस, तो ओ आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 6 जाएगा 1² प्लस 3 × 2 जाएगा 1² का रूट अंडर हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मतलब कि रूट अंडर आपका 10 आ जाएगा, मतलब कि ओ आर आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई के मान इंटू हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर का, तो हो जाएगा 10 मतलब हो जाएगा 10 पाई, समझ में आई। तो ध्यान देंगे यह क्वेश्चन था बहुत ईजी था, बहुत हमको यह डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखे कि डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको मिला और इसके एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। सिद्ध कीजिए कि 3 का था रैखिक है, इसको भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे इसको अगर या आपका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पॉइंट जो दे रहा है, पॉइंट अगर ए दिया है आपका 1, 5, बी पॉइंट दिया 3 और 4, अगर सी पॉइंट दे 3, 3, कह रहा है कि संरेखीय है, मतलब कोलिनियर, कह रहा है कोलिनियर है। तो ध्यान देंगे इसको, तो यह समझने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट जब कोलिनियर होगा तो देखिए इसको इसको गैपिंग में कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, जब हम दूरी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो कुछ इसका अनुपात आएगा, एक अनुपात रूप में काटेगा यह। तो क्या करेंगे हम इसको दूरी निकाल रहे हैं, ए बी क्या अगर दूरी निकाल रहे हैं तो इसका हो जाएगा आपका इसमें से इसमें घटाएंगे 2 - 1 जाएगा, मतलब इसको x2 बना, इसको x1, तो इसको 5 - जाएगा आपका, यहाँ में से आपका होगा 4 - 5 जाएगा, तो आ गया आपका तो 1² हो जाएगा, ई -1² हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 1 + 1 मतलब रूट अंडर आपका हो जाएगा 2, मतलब कि ए बी आपका रूट अंडर 2 आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, बी सी जो आ जाएगा बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 - 2 जाएगा का स्क्वायर, आपको 3 - 4 जाएगा कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1² प्लस -1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 1² 1 + -1² 1, तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे ए बी ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 3 - जाएगा 1² यहाँ पर जाएगा आपका 3 - जाएगा 5² तो इसका हो जाएगा 2² अब प्लस हो जाएगा -2² तो ये हो जाएगा आपका 4 + 4 का रूट अंडर हो जाएगा, तो 2 × √2 तो ए सी हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान देंगे यह आया ए बी प्लस अगर हम बी सी को जोड़ दें तो रूट अंडर 2 + √2 जो हो जाएगा 2 × √2 जो ए सी के बराबर है। इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि यह जो है आपका दोनों जोड़ने के आ गए, इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि बी जो इतहबे के संरेखीय हैं और साथ साथ जो बी है मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु मतलब कि मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, यह कहा जाएगा यह मिड पॉइंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों के इक्वल ऐसे काट रहा है कि अगर ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है बी यहाँ पर है, इसको इक्वल रूट अंडर 2 आया है, इसका रूट अंडर 2 आया है, तो यह इक्वल रेशियो में काट रहा है, मतलब कि यह संरेखीय है। इसका अगर मान लेंगे दूसरे तरीका से हम बनाते हैं, जब हम इसको हम अगर ट्रेंगल का उपयोग करते हैं इसके एरिया का, तो इसमें अगर दिखाते एरिया का तो आपका हो जाएगा इसको 0 हो जाता। तो ध्यान देंगे इसको हम जस्ट अभी बता रहे हैं, इसको यह आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बता रहे हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान समझ में आया, तो इसको आपको दिमाग में बिठाना जरूरी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब क्या करना है आगे को बढ़ने के लिए, अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लोग को अगर त्रिभुज के एरिया हम मान लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये फॉर्मूला आता है 1/2 x1 y2 - y1 + x2 - y3 - y1 x3 हो जाएगा y - y2 का मॉडुलस। अगर मान ली कोई ट्रायंगल आपके पास है, ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है, यह p आपको होगा x1 y1 हो गया, इसका दिया x2
y2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा q हो जाएगा, r जो हो जाएगा x3 और y3 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला का हम उपयोग यहाँ पर किए हुए। अगर मान लीजिए कोलिनियर होगा तो स्टेट मतलब एरिया जीरो मान लीजिए, एक ध्यान देंगे, ध्यान देना जरूरी है। बिजो बच्चा समझ गया सोचिए कि वो रन मारेगा रन छक्का, ध्यान देंगे। अगर यह अगर मान लीजिए तीन गो पॉइंट होगा, अगर ए होगा बी होगा सी होगा, तो इसका एरिया यहाँ से उठता है, इसे उठेगा बी, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी उठता नहीं यहाँ से, तब ना कुछ बनता, यहाँ से कुछ बनेगा तब ना एरिया कवर करता। यहाँ से एरिया इसी पॉइंट पर है तो इसका लेंथ लेंथ है, ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, लंबाई इसका है चौड़ाई जीरो हो गया तो जीरो हो गया। यहाँ से थोड़ा सा अगर उठ जाता ना यहाँ से तो यह आपका एरिया डिफाइन होने लगता, मतलब एरिया मिल जाता, बल्कि क्या हो जाएगा यह जो पॉइंट जो बी बी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी इसी पर सट गया, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर एरिया निकाल रहे हो क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं इसका एरिया क्षेत्रफल मतलब इसको जीरो हो जाएगा, मतलब कि रैखिक समीकरण मतलब कोलिनियर पॉइंट का एरिया जीरो हो जाएगा। तो जीरो का एप्लीकेशन देखते हैं, इसका वैल्यू पुट करके देख ले रहे हैं, ध्यान देंगे इसको x1 और y1 मानेंगे, इसको x2 और y2 मानेंगे, और इसको x3 और y3 मान का वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान देंगे x1 इसका 1 है, y2 इसका मतलब 4 है, y1 जो इसका है y3 यहाँ पर है, y3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 प्लस यहाँ पर x2 जो है आपका 2 हो जाएगा, y3 यहाँ पर 3 है, y1 है इसका माइनस 5, x3 आपका 3 है, y1 इसका है माइनस 5, यहाँ y2 जो है 4 मॉडुलस, ध्यान दें कि वो 4 में से 3 जाएगा तो 1 इंटू 1 इसका मतलब जाएगा माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा मॉडुलस इसे 1 हो जाएगा, इसका 4 इसका हो जाएगा प्लस 3 तो 4 हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर 4 4 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 0, मतलब कि इसका 0 आ गया एरिया। और जब ट्रेंगल के एरिया जब त्रिभुज के एरिया 0 हो जाता है इसका मतलब कि वह त्रिभुज त्रिभुज नहीं बनेगा, वह तीनों का तीनों बिंदु जो होगा रैखिक मतलब कि एक रैखिक मतलब कि एक लीनियर मतलब कि एक आपका मतलब कि स्ट्रेट लाइन पर है, एक मतलब कि सरल रेखा पर है, मतलब कि एक सरल रेखा पर ये तीनों पॉइंट सरल रेखा बना रहा है, मतलब कि आपका यह सरल रेखा सीधी लाइन पर है, समझेगा ना। तो यहाँ आपको आसानी से प्रूफ हो गया, तो आई होप भाई मेरे बात को समझे होंगे, आपको बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, चलिए हम लोग अब विभाजन सूत्र पढ़ रहे हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे अब हम लोग, तब उस पर क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन फार्मूला, मतलब कि विभाजन सूत्र दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका अंतर्विभाजन एक होता है बाह विभाजन। मतलब एक हो जाएगा आपका इंटीरियर, एक हो जाएगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर डिवीजन, एक हो जाएगा आपका इंटीरियर डिवीजन, ये दो प्रकार के होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका एम एम एक्स टू एन x1 वन बाई हो जाएगा एम वाई टू एन एम प्लस एन हो जाएगा, जो n और n रेशियो में जब काटता है इसका हो जाएगा माइनस वाई टू माइनस वाई वन एम वन माइनस। ध्यान देंगे इसको जो डिवीजन होता है, ध्यान देंगे इसको ऐसे डिवीजन होता है P और Q हो जाएगा, तो यहाँ R जो R के यहाँ निकाल लिए तो R यहाँ पर हो जाएगा X1 और Y1, यहाँ पर हो जाएगा X2 और Y2, तो यहाँ पर जो निकाले R इसका मान निकाले हैं, मतलब कि X और Y के जो मान यहाँ पर निकाले हैं R का हो गया, तो ये एम और एन रेशियो मतलब कि इसके साथ यह मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ यह मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे मल्टीप्लाई भी हुआ है। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर जो हुआ है आपका यह हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q, और यहाँ पर आपको R हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका M है और यहाँ से लेकर आपका N है, समझे ना। तो E जो हो जाएगा यह जो आपका डिवीजन जो हो जाएगा यह डिवीजन आपका M जो हो जाएगा आपका इसके साथ हो जाएगा,
या m डिवीजन आपको इसके साथ हो जाएगा और ये x डिवीजन आपका इसके साथ हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपको दिमाग बात को रखना है कि क्या करना है। तो ये आपका यहाँ से इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया x2 और y2 दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। तो ये आपको आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा या इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, समझेंगे। तो यह आपको विभाजन सूत्र है। अगर इस पर हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको दिमाग बिठाएगा। और शॉर्ट ट्रिक में जानते क्या करते हैं हम, इसको m रेशियो और n जो दिया हुआ है, m बाई n होता है तो इसको हम k मान लेते हैं। तो अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो इसको k1 लेते हैं, कभी कभी इसको क्या करते हैं k रेशियो 1 लेके डिवाइड करते हैं। तो इसके स्थान पे आप इसको यूज कर रहे हैं तो भी आपका चलेगा, बनेगा आपका आंसर वही आएगा जो आपको आना चाहिए। अब आपको एक डिवीजन फॉर्म बता दिया, अगर मान लीजिए इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको बना सके, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम प्रूफ करने का वो तरीका बता दे रहे हैं, आपका रूल पूरा एकदम कंप्लीट आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब तो आ जाएगा। ध्यान देंगे इसको आप और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई की ओर बढ़ते हैं, और डिवीजन फॉर्मूला का आपको प्रूफ करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ P, यहाँ पर Q, यहाँ X1 Y1, यहाँ पर R हो जाएगा आपका, यहाँ Q जो है X2 और Y2 यहाँ हो जाएगा। इसको सीधे परपेंडिकुलर गिराइए आप, यहाँ पर सीधे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर गिराना है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिराना है। यहाँ से दूरी आपका x1 का हो जाएगा, यहाँ से दूरी आपका हो जाएगा x का, यहाँ से दूरी आपका हो जाएगा आपका x2 का हो जाएगा, यहाँ से दूरी जाएगा x में से x1 जाएगा, यहाँ से दूरी आपका हो जाएगा x2 में से x1 जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से दूरी आपका हो जाएगा y2, यहाँ से दूरी हो जाएगा y1, यहाँ से दूरी आपका हो जाएगा x1, मतलब y, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो इसको दूरी निकालेंगे तो y2 में से y1 घटाएंगे, यह दूरी आपका यहाँ से दूरी यहाँ तक आपका हो जाएगा यह हो जाएगा, यहाँ से दूरी हो जाएगा आपका y में से y1 घटाना पड़ेगा, यह आपका दूरी यह हो जाएगा, समझ गए। इसका नाम आपको दिए हैं, यहाँ पर आर जो है एक्स और वाई है, यहाँ पर आपको Q दे दिए हैं, आपको दिमाग में दे, यहाँ पर आपको नहीं दिए हैं तो इसका M दे दे रहे हैं, यहाँ पर आपको M दे दे रहे हैं, समझ गए। यहाँ ध्यान देंगे आपको त्रिभुज जो है, ध्यान देंगे P M R सिमिलर हो जाएगा, मतलब कि यह समरूप हो जाएगा आपको, किसके हो जाएगा R N Q का, किससे E A, क्योंकि यह एंगल जो है ना आई इसके बराबर हो जाएगा, और यह एंगल जो देखा जाएगा तो ये भी बराबर हो जाएगा अंत का, इसको हो जाएगा संगत कोण से हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए ए समरूपता से लिख सकते हैं, मतलब कि ए ए सिमिलरिटी से। ये हो जाने के बाद हम साइड लेंगे, क्या ध्यान देंगे यहाँ पर पी आर बाई आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एम बाई आर एन इक्वल टू हो जाएगा आर एम बाई क्यू एन। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको साफ कर दे रहे हैं, यहाँ से देखेंगे पी एम बाई आर एन, यहाँ पर हो जाएगा आपका एम आर, यह पार्ट ले रहे हैं, इसको हो जाएगा एन क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पी आर बाई पी आर क्यू हो गया। तो पी एम के मान क्या दिया, पी एम के मान दिया x माइनस एक्स वन बाई वाई माइनस वाई वन, ये दिया होगा, यह हो जाएगा x x टू माइनस दिया हुआ है x, वो अगला करें एम आर, एम आर कितना एम आर हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई एन आर हो जाएगा y2 टू माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा पी आर जो दिया है m, यहाँ पर m और n हो जाएगा तो m रेशियो n हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई दो पार्ट में x माइनस एन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा m बाई एन, एक पार्ट हो जाएगा y माइनस वाई वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा m
पाइए। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, हल कीजिएगा, इसको तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, इधर कर दे रहे हैं एक्स माइनस एक्स वन एम हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका इधर भेज रहे हैं तो एन एन इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू वाई माइनस वाई वाई वन इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू हो जाएगा वाई टू माइनस वाई ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स के मान आ जाएगा एक्स एम इंटू वाई एम इंटू एक्स टू इन प्लस एन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन हो जाएगा। वाई के मान हो जाएगा एम इंटू वाई टू एन प्लस एन इंटू वाई वन यह हो जाएगा, आपको यह मान आ गया। तो आपका ये सेक्शन फार्मूला आपका आ गया। उसी तरह के आप क्या करिए दूसरे फार्मूला के भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इस पर मेन है आप क्वेश्चन करिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, मेन है क्वेश्चन करना। मेन अगर क्वेश्चन कर रहे तो सोचिए कोई भी क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हमेशा रहेगा। क्वेश्चन जितने करिएगा आपका कंसेप्ट उतने क्लियर होते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए आगे और बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उदय कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिया हुआ है, जोड़ने वाले इतना रेखा का अनुपात विभाजित कर रहे हैं वह पिंटू मतलब कि यह बिंदु बताना चाह रहे हैं। यह फोर और थ्री दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर आपका दिया और आठ और पाँच दिया हुआ है। यह कह रहा है कि तीन रेशियो वन में इसको डिवाइड कर रहा है, इसके मान बता रहे हैं ए और ए दिया है, बी दिया हुआ है यहाँ पर, आर के मान बता रहे हैं कि आर के मान आपका क्या हो जाएगा। तो यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देंगे आर के मान निकालने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला से। तो इस आठ आठ के साथ थ्री मल्टीप्लाई होगा प्लस या फोर इंटू वन बाई तीन प्लस वन कॉमा हो जाएगा, पाँच के साथ तीन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस थ्री इंटू वन बाई हो जाएगा थ्री प्लस वन, क्योंकि हम बताए हैं कि थ्री जो होगा केवल इसके साथ इस मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसका एक्स टू जब लिए तो इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई हुआ, और इसका जब लिए फोर इसका वन मल्टीप्लाई हुआ, और ये तीन प्लस एक हो गया इसका एक्स के, यह एक्स पार्ट है और वो आई के पार्ट हो जाएगा। यह पाँच में तीन से मल्टीप्लाई हुआ पाँच इंटू तीन, और यह हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन थ्री या थ्री प्लस वन ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका चौबीस या चौबीस या चार हो जाएगा अट्ठाईस बाई हो जाएगा चार, इसका कॉमा हो जाएगा ये पंद्रह में से तीन जाएगा बाई चार तीन हो जाएगा आपका सात, इसका हो जाएगा बारह तीन हो जाएगा यह, मतलब कि आर आपका यह डिविजन आपका सेक्शन फार्मूला से आ गया। यह अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित बिंदु में निर्देश कर रहा है, तीन भागों में बांट रहा है, ध्यान देंगे। एक पॉइंट दिया हुआ है ए, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यह कह रहा है कि टू और माइनस टू दिया हुआ है सेवन, यह कह रहा है फोर, ये तीन भागों में बांट रहा है, तीन भाग बांट दिया, इसके हम लोग निकालना है, ध्यान देंगे। यहाँ पर P दे दिया है, Q दे दिया, इसको अगर वन दे दिया तो यहाँ पर आपका टू हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका अगर वन टू दे दिया तो इसका आपका वन हो जाएगा। तो निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे इसको निकाल रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए यह वन रेशो टू, तो यह जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यह इसके साथ, ध्यान देंगे सेवन माइनस सेवन के साथ टू मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस सेवन के साथ वन, इसके साथ यह मल्टीप्लाई होने वाला है, समझ गए, आई इसके साथ होगा तो माइनस टू प्लस होगा टू इंटू टू बाई हो जाएगा टू प्लस वन प्लस टू, कॉमा वाई के निकाल रहे हैं तो फोर इंटू वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टू इंटू हो जाएगा टू बाई हो जाएगा टू वन प्लस टू, इसका हो जाएगा सेवन सेवन माइनस फोर माइनस सेवन प्लस फोर यहाँ थ्री हो जाएगा, इसका हो जाएगा फोर माइनस फोर बाई हो जाएगा थ्री, तो इसका सेवन में से जाएगा तो माइनस या थ्री हो जाएगा बाई थ्री, तो यहाँ हो जाएगा जीरो बाई थ्री, मतलब कि ए हो जाएगा माइनस वन जीरो, मतलब कि पी के मान आपका आ गया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर क्यू के मान निकाला, क्यू को क्या कह रहा है कि इसको जो टू रेशियो वन में कह रहा था इसके साथ जो होगा यह दो से मल्टीप्लाई होगा, यह जो होगा इसके वन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये एक्स के साथ इसमें पूरा का पूरा मतलब। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहला ले रहे हैं माइनस सेवन से एक्स टू ले रहे हैं, तो एक्स टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स वन ले रहे हैं तो उसमें वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू प्लस वन हो जाएगा, कॉमा वाई के निकाल रहे हैं मान, तो फोर में टू से गुणा करेंगे माइनस टू इंटू वन करेंगे बाई टू प्लस वन, तो हो जाएगा यस चौदह में से जाएगा दो,
तो 14 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 12 माइनस 12 हो जाएगा यह, इसका 6/3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4, यह हो जाएगा आपका 2, मतलब Q के मान आ गया या P के मान आपको आ गया, मतलब थ्री त्रिभी मतलब कि ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, समत्रिभाजी हो था तो समत्रिभाजी, एक विभाजन दो विभाजन तीन विभाजन, तो समत्रिभाजी हो गया, समत्रिभाजी हो गया, तो यह हो जाएगा ट्राई सेक्शन, समझेगा ना, तो ध्यान देंगे यह बात को, ये आपको दिमाग में बिठा लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि माइनस 4 और 2 बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे और कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यह जो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया ए और बी दिया हुआ है, एक यह इसका मान दे दिया है आपका माइनस 6 और 8 10, इसका दे दिया है 3 और माइनस 8 दे दिया है, एक कह रहा है कि यह लाइन को लाइंस जो इसको रेखाखंड को काट रहा है, एक पॉइंट प्रतिच्छेद काट दिया और इसका मान दिया हुआ है माइनस 4 और 6 कह रहा है, तो कह रहा है कि किस अनुपात में इसको काट रहा है, मतलब कि कहना चाह रहा है कि यह जो काट रहा है तो किस अनुपात में काट रहा है, मतलब कि किस अनुपात में काट रहा है, ये काटा निकालना, मतलब कि ए आर जो है यह आर बी इसका क्या इसका मान है, इसका मान क्या, व्हाट इसका क्या पार्ट है, किस अनुपात में काट रहा है, इसका मान निकालना चाहते हैं, मतलब कि एम और एन का जो रेशियो था, रेशियो दिया रहता था, इसका मान क्या होगा, तो ध्यान रखें नहीं मालूम है तो इसको एन और एम, तो बताए थे कि एम इसके साथ होगा और एन इसके साथ होगा, तो ध्यान रखें कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो आर के निकाल रहे हैं, आर हो जाएगा एम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3m माइनस 6n बाई एम प्लस एन हो जाएगा, ये अब निकाल रहे हैं यह x कोऑर्डिनेट हो गया, x x का निर्देशांक हो गया, अब का y के निकाल रहे हैं, तो माइनस 8m प्लस हो जाएगा 10n बाई एम प्लस 1, तो यह r आपको दिया हुआ है माइनस 4 और 6, तो इसको दोनों को तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या आ जा रहा है, तो हो जाएगा 3m माइनस 6n बाई एम प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, तो यह तिरछा थ्री गुना करेंगे तो 3m माइनस 6n, तो हो जाएगा इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा m प्लस एन, तो यह हो जाएगा 4m माइनस 4n, तो यह यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा 3, यहाँ पर 3m जो हो जाएगा इसके लिए आएगा तो हो जाएगा प्लस 3m मतलब 4m हो जाएगा, 4m इधर से जाएगा 6, तो हो जाएगा 4n प्लस हो जाएगा 2 6n, तो ये हो जाएगा 7m, ये हो जाएगा आपका 2n, तो m रेशियो n लिया गया था तो 2/7 मतलब कि m रेशियो जो था n 2:7 में काट रहा है, हम मान लीजिए इसको भी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे शायद आ रहा है कि नहीं, तो 6 इक्वल टू है आया हुआ है, तो y के जो मान था वह माइनस 8m प्लस 10n बाई हो जाएगा n प्लस n, चेक कर रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं, इसका मान पुट कर रहे हैं तो इसका मान आएगा, इसके मान रख देंगे यहाँ पर रख देंगे 2, तो जो होगा 16, यहाँ पर रखेंगे या 10 7, तो हो जाएगा आपका 70, अब बाई हो जाएगा यहाँ पर 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देंगे इसमें से जाएगा आपका 70 में से 16 जाएगा तो 54 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको कितना जाएगा 6 9 6 54 6 आ जाएगा, तो y के मान 6 दिया था 6 आ गया, मतलब प्रूफ कर दे, मतलब कि थ्रूफ हो जाएगी, चेक कर ले क्या सॉल्व करना है, आप क्या कीजिएगा इसको भी लेकर कम तुलना करके आप क्या था सॉल्व कर सकते, मतलब 6 इक्वल टू का लिखिएगा माइनस 8m प्लस 10n बाई हो जाएगा m प्लस n लिखिएगा, तब इसको भी निकाल कर सॉल्व कीजिएगा तो कहीं मान आएगा n n m रेशियो n का जो मान आएगा 2:7 आएगा आपका, इस पे क्वेश्चन कीजिएगा तब बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा, जब आप इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं तब बहुत इजी हो जाएगा, देखिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बहुत क्वेश्चन इजी है, कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है, लगभग ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि ए पी और ए बी
इक्वल टू दिया, AP इक्वल टू दिया हुआ है 2/7 AB दिया हुआ है। ध्यान देंगे AP/AB इक्वल टू 2/7, ध्यान देंगे यह AP है तो यहाँ से AP है, यहाँ से पूरा नहीं पूरा का पूरा दिया हुआ, तो अगर यह 2 हो गया पूरा का पूरा 7 है तो यह कितना 5 हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ, इसका मान आपको दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया आपका, इसका मान दिया -2 और -2, इसका मान दिया आपका 2 और -4 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पी के मान बताइए, तो क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ध्यान देंगे यह जो इसके साथ गुना होगा और इसके साथ यह होगा, मतलब कि यह x2 और y2 के साथ होगा और x1 और y1 के साथ होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो हो जाएगा आपका फॉर्मूला, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, x2m+1, यह सूत्र आपका लिख दे रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार और ही हो जाएगा। इसी के अनुसार हम फॉर्मूला रख दे रहे हैं, पी के मान निकाल रहे हैं, तो यह इसके साथ होगा 2, तो 2 × 2 - 2 × 5 बाई हो जाएगा 2 + 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 × 2 - 2 × 5 बाई हो जाएगा 2 + 5, तो यह होगा -4 + 10 / 7, यह हो जाएगा -8, यह हो जाएगा 10 / 7, तो ये हो जाएगा आपका -6/7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18/7, आपका यह आपका पी के मान आपको आ गया। तो ध्यान देंगे कोई भी क्वेश्चन है अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ईजी तरीका से सॉल्व होगा, जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तब, आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तब, तो आसानी से बिहार बोर्ड तो बहुत ईजी है, आप मान लीजिए क्या होता है, बहुत ईजी है, अगर बच्चा को कहा जाएगा तो 100 में 100 एक नंबर कटता नहीं, समझ गए, एक नंबर नहीं कटता मेरा, 98 था मेरा एक, है ना, एक दो नंबर कट या कहीं कटा होगा, तो यह समझ गए, इसमें आपको 100 में 100 डीटो मार के बता देंगे कि 100 में 100 आएगा। तो यह यदि बिंदु कितना दिया गुजरने वाली कई रेख, कोई रेखा एक अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः इतना और इतना पर काटे तो एक एक मान का होगा। कह रहा है कि यदि बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा वाई और एक्स अक्ष को, कह रहा है कि इतना से बिंदु से गुजरने वाले y और एक अक्ष को यहां से काट रही है, इसके काट रही है, एक यहां पर एक दिया हुआ है, इसका मान जो दिया हुआ है यहां पर, यह दिया हुआ मान कि इसका जो मान होगा इधर y के मान पर दिया हुआ, मतलब कि इसका जो मान है 0 कहीं काट रहा है -4, मतलब कि यहां पर k के मान इधर ही कहीं काट रहा होगा इधर, क्योंकि ध्यान देंगे इधर अगर लाइन जा रहा है इधर से तो पक्का है कि इधर से जाएगा, तो k का मान प्लस होने वाला है। दो तरीका से दिमाग में लगा सकते हैं, यहाँ से यह प्लस की ओर हो सकता है, तो इसका मान ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो आएगा, तो यह 2 होगा, यहाँ से 2 हो गया, यह 2 हो गया, 1 हो गया, समझ गए, तो यह पार्ट आपका यहाँ से एक से यहाँ से आपका 2 है, समझ गए, तो यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर के मान आपको प्लस है, चार को ऑप्शन को दिया हुआ तो ऑप्शन में से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर जा रहा है तो वाई के मान इसी में होगा, इसी में हो नहीं सकता है, इसी से लाइन जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर के मान जो होगा प्लस होता है, तो यहाँ पर आराम से ऑप्शन में चेक करके बता सकते हैं। दूसरा तरीका, यह पहला तरीका, दूसरा तरीका आपका हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर जो दिया हुआ है कि इसलिए एक लाइन पास इसमें पॉइंट है, तो k और -4 दिया हुआ है। दूसरा तरीका होगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर यह y के है y, तो यह y यहाँ पर क्या कीजिएगा y, तो y/2 कीजिएगा, प्लस क्या कीजिएगा x/1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू जो दिया हुआ है यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा। एक बार फॉर्मूला को बता दिया, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर कीजिएगा तो बटा के 2x हो जाएगा, यहाँ बाई 2 इक्वल 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा यहाँ पर, यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 2x + हो जाएगा 2, यहाँ पर इसका आ जाएगा, यहाँ के इसका मान डाल दीजिएगा, यह आपका यहाँ पर y के मान -4 है, इसका मान 2k डाल दीजिएगा आपका 2, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा के 2k इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4, मतलब k के मान हो जाएगा आपका 3 आपका आ जाएगा। मतलब कि यह आपको दिमाग में अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया तो इसका फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। और दूसरे नहीं तो क्या कीजिएगा, और दूसरे अगर कंसेप्ट अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर जो दूसरे कंसेप्ट इसके पास अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा आप,
यह पॉइंट जो है आप ऑप्शन ही चेक के, यह ऑप्शन आधार पर दिया रहेगा, ऑप्शन आधार पर बना सकते हैं, समझ गए। ताहूब आप समझ में आया होगा, इसको क्वेश्चन बनाइए, बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन पे हम वर्क करते हैं। कह रहा है कि पॉइंट दिया, ध्यान देंगे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका मान दिया आपका -2 और 1, -1 इसका मान दिया 3 और -2 इसका मान दिया 1 और दिया हुआ है। यह ए बी और सी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए डी जो है ना, यह माध्यिका है, माध्यिका तो माध्यिका जो हो जाएगा, तो इसका माध्यिका मीन्स जानते हैं क्या, तो इसका यह ए डी के मान बताना है, इसका लंबाई क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका जब कहता है तो माध्यिका जो होता है आपको यह दोनों इक्वल पार्ट में काटता है, इसका मतलब कि डी जो मध्य बिंदु हो जाएगा यही इसका बी सी का, तो बी सी का मध्य बिंदु तो क्या हो जाएगा 3 - 1/2 -2 + 2/2 तो हो जाएगा यह 2/2 और यह हो जाएगा 0/2 तो हो जाएगा यह 1/0 हो जाएगा, मतलब किसका आ जाएगा 1/0 हो जाएगा। यहाँ से AD जो निकालिएगा रूट अंडर, तो इसको x1, इसको अगर मान लीजिए इसको x1 और y1 ले रहे हैं और इसको जो निकाले, ध्यान देंगे थोड़ा सा स्पेस यहाँ ले रहे हैं, अगर ए यह दिया हुआ है इसका अगर मान लीजिए -2 और 1 अगर x को x1 और y1 ले रहे हैं और b d को जो ले रहे हैं d को अगर मान लीजिए 1 और 0 ले रहे हैं, इसको x2 और y2 ले रहे हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर, तो हो जाएगा 1 में से जाएगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर और 1 में 0 में से जाएगा -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर + 1, मतलब कि हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर आपका 10 हो जाएगा। तो ए डी का माना गया रूट अंडर 10। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर मान लें कि आप कॉन्सेप्ट वाइज बना रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, और मान लीजिए कि आपको अच्छा वीडियो लगा तो इसमें कमेंट कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आप नए हैं तो, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब इतने कहकर अपने वाणी को अब इतने विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर, तब तक ले जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।